खोल के दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखने में होता है। अच्छा, ये github.com जो है ना, ये ऐसे ये बिल्ली के मुंह वाला ये है निशान, सही है। अच्छा, इसका ये URL है github.com। अच्छा, ये इसको ना लिख लीजिएगा github.com। इस पे आप सब लोगों ने अकाउंट तो बना लिया होगा, जैसा कि मैंने ज़िक्र कर दिया था पहली क्लास में ही। तो अच्छा, अगर अच्छा नहीं, वर्बली मैंने ज़िक्र कर दिया था शायद, जो बिल्कुल फर्स्ट हमारी हुई थी ना जिसमें, तो उसमें सिर्फ बातें करने को था हमारे पास, तो ये वाली सारी बातें उस दिन हुई थी ना। तो वेल, अगर कोई मसला नहीं है, कोई नहीं भी था तो मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ कि ये गिट और गिटहब क्या चीज़ है। अच्छा, गिट जो है ना, उसको फॉर्मली वर्जन कंट्रोल कहते हैं, वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम है ये गिट। अच्छा, वर्जन कंट्रोलिंग क्या होता है ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो तो सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो समझ आएगा। अच्छा, लेकिन गिटहब को मैं बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में अगर आपको बताऊँ तो ये डिवेलपर्स का सोशल मीडिया है। सॉफ्टवेयर डेवलपर जब भी कोई काम करता है तो वो गिटहब में उसको डाल देता है। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पे फेसबुक पे जब कोई आप जाते हैं तो आपने कोई अच्छा सा कोट आपके जहन में आया तो आप क्या करते हैं, ट्विटर पे या फेसबुक पे जाके शेयर कर देते हैं। या आपके घर पे बर्थडे हुई तो उसकी वीडियो लोग समटाइम बना के और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। तो लोग वहाँ पे इंटरटेन होने के लिए आते हैं सोशल मीडिया पे ना लोग। यार बच्चा, वो लास्ट वाला फ़ैन भी बंद कर दो यार, ताकि थोड़ी और कोने वाले ना। अच्छा अच्छा, कर दो कर दो थोड़ा सा, ताकि ना मज़ीद खामोशी हो जाए। अच्छा, तो ये ना डेवलपर्स का सोशल मीडिया है। अच्छा, तो डेवलपर जब कोड लिखता है कोई, तो वो फेसबुक पे तो शेयर नहीं करेगा। अच्छा, फेसबुक पे इसलिए शेयर नहीं करेगा कि फेसबुक पे कोई कोडिंग देखने नहीं आता। आज तक आपने कोई फेसबुक पे नहीं देखा होगा कि HTML का या कोई प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर का कोड लिख के भेजाओ। हाँ, सॉफ्टवेयर की मार्केटिंग कर देते हैं कि यार ये हमारा सॉफ्टवेयर है, ये ऐसे चलता है, बट कोडिंग नहीं उस पर शेयर करते लोग, क्योंकि वहाँ वो दूसरे तरह के लोगों के लिए। अच्छा, तो ये स्पेशली प्लेटफॉर्म बना है सिर्फ डेवलपर्स के लिए, कि जहाँ पे डेवलपर आएगा और आके ना जो भी उसने कोड लिखा है वो शेयर कर देगा। अच्छा, दूसरे लोग जो दूसरे डेवलपर्स हैं वो उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उस पर कॉमेंट्स करेंगे, उसमें अगर कोई इशू है, कोई बग है, कोई समझ आ रहा है उनको, तो वो बताएंगे कि यार इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, इस वक्त गिटहब की और गिट की जो वैल्यू है मार्केट में वो वाइटल हो चुकी है बहुत। अगर मिसाल के तौर पे कोई बंदा कहता है कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एज्यूम किया जाता है कि उसको गिट और गिटहब आता होगा, सही है। तो क्योंकि ये इतना ज़्यादा भी यूज़ हो रहा है, और अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो एक चीज़ है ना, लेकिन छोटे छोटे टूल्स हैं बहुत सारे उसके साथ, तो ये वन ऑफ दोज टूल्स जो आपको आना चाहिए। अच्छा, अब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई बंदा अगर ये कह रहा है ना कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो बाई डिफ़ॉल्ट सामने वाले के जहन में आएगा कि गिटहब इसको आता होगा। जैसे कि एक बंदा कह रहा है कि मैं टेलर हूँ, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट ये समझेंगे कि ये मशीन से कपड़े सीता होगा। अब वो बोले, नहीं साहब, मुझे मशीन तो नहीं आती चलानी, टेलर हूँ मैं, लेकिन तो कपड़े कैसे सीते हो भाई, ये तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर कोई बंदा ये कहता है कि उसको गिट नहीं आती, तो उसके डेवलपर होने पर ही सवालिया निशान है, ठीक है, कि वो डेवलपर है भी या वैसे ही कह रहा है। तो अच्छा, अब इस प्लेटफॉर्म का अगर आपको मैं ओवरव्यू करवा देता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे आप जाएंगे ना, यहाँ पे कोई भी फ़ोटो लगा सकते हैं, मैंने ये वैसे ही लगाई हुई है फ़ोटो। अच्छा, ये आपकी ना एक्टिविटी बता रहा होता है इस जगह पे, ये जो ग्रीन डॉट है ना, ये एक्टिविटी है। आप जब भी कोड कुछ लिखते हैं, शेयर करते हैं, तो ये ग्रीन डॉट यहाँ पे बना हुआ आ जाता है। अच्छा, इसमें नीचे ये लिखा हुआ भी आ रहा होता है कि आपने कहाँ पे क्या कॉन्ट्रीब्यूशन की है, उसका सबका नाम लिखा हुआ आ रहा होता है कि आपने किस दिन क्या कोड शेयर किया है, किसी के कोड पे कमेंट किया है, लाइक किया है, क्या किया है, वो सब लिखा हुआ होता है। अच्छा, अब मैं ये ओवरव्यू में था, अब मैं ये जा रहा हूँ रिपॉजिटरीज़ के अंदर। रिपॉजिटरीज़ में जब मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे ना जैसे फेसबुक में आप कोई चीज़ जब पोस्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं पोस्ट, इसमें कहते हैं रिपॉजिटरी, सही है। अच्छा, नाम का फ़र्क है, चीज़ सेम है। अच्छा, अब जो रिपॉजिटरी है ना, वो असल में एक फोल्डर है। जैसे ये कल मैं इस ऐप पे काम कर रहा था,
पाइथन इमेज ऐप करके है ये। अच्छा, और ये प्राइवेट, इसके साथ छोटा सा देखें लिखा हुआ रहा है यहाँ पर, ये प्राइवेट रिपोजिटरी है, ये पब्लिकली किसी को नज़र नहीं आएगी क्योंकि ये क्लाइंट का काम है इसलिए प्राइवेट है। अच्छा, एक ऊपर रिपोजिटरी बनी हुई आ रही है, सैलानी बैज 8 वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट क्लास। अच्छा, ये एक दूसरी जगह मेरी क्लास चल रही है सैलानी में, वहाँ पे जो भी मैं क्लास में कोड लिख के दिखाता हूँ वो मैं इस रिपोजिटरी में शेयर करता हूँ। तो इसके अंदर मैं जाऊँगा ना तो आप देखें, ये एक फ़ोल्डर है एक्चुअली, रिपोजिटरी इसको कहते हैं प्यार से, लेकिन ये एक फ़ोल्डर है। इसके अंदर ये तमाम जो कोड है ना जो मैं लिखता रहा हूँ वक्तन फ़वक्तन, पूरे एक साल तक वो चला है कोर्स और अब ख़त्म हो चुका है वो, तो ये एक साल में पूरा जो कोड लिखा है ना वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। ज़ाहिर है छोटे छोटे कोड स्निपेट्स लिख के दिखाने पड़ते हैं क्लास के दौरान, तो वो अगर स्टूडेंट से शेयर कर दें तो उनको सम टाइम आसानी रहती है। तो आपकी क्लास के लिए भी एक ऐसी रिपॉजिटरी बनाऊंगा मैं, तो जो क्लास में कोड स्निपेट लिख के दिखा रहा हूँगा छोटे छोटे, तो वो आपसे शेयर हो जाएगा उस पर। अच्छा, अब ये तो बात हो गई कि यार एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को आना चाहिए और कोड शेयर हो जाता है, सब कुछ ठीक है। एक इसकी इम्पोर्टेंस और भी है, एक इसकी इम्पोर्टेंस और ये है कि गिट हब आपका अल्टीमेट क्रेडेंशियल है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि गिट हब में आपका अकाउंट डेवलपर को आना, तो वो तो जब होगा कि जब आप डेवलपमेंट शुरू कर देंगे ना, वो तो जब की बात है, लेकिन ये अभी आपने बनाना है। अभी बनाने का रीज़न ये है कि ये गिट हब आपका अल्टीमेट क्रेडेंशियल है। मिसाल के तौर पे किसी बंदे के पास अगर कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो वो यूनिवर्सिटी की डिग्री क्या सर्टिफाई करती है? कुछ भी नहीं करती। यूनिवर्सिटी की डिग्री तो उन लोगों को अवॉर्ड की जाती है जिन्होंने क्लास अटेंड की है, ठीक है, और मिनिमम मार्क्स लिए हैं, क्योंकि वो डिग्री पे मार्क्स नहीं लिखे हुए होते कि कितने मार्क्स इसने लिए हैं। तो क्लास में बंदा क्या परफॉर्म कर रहा था, क्या पढ़ाई कर रहा था, ये सब उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता। उस पर अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा होता है कि दिस डिग्री इज़ अवॉर्डेड टू फला फला बंदा, सन ऑफ फला फला, और एयर दिस दिस, और हैव अटेंडेड आवर कंप्यूटर साइंस क्लास और फॉर 2015 से लेकर 2019 तक, ऐसे उसमें ये बातें लिखी हुई होती हैं। उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता है कि बंदा ये पास था या फेल था, या परफॉर्मेंस कैसी थी, या क्लास में चीज़ों में पार्ट लेता था या नहीं लेता था, ये सब कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता। अच्छा, तो अब यही वजह है कि वो डिग्री आउट ऑफ डेट भी होती जा रही है। पूरी दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उन्होंने डिग्री की शर्त ख़त्म कर दी है। पहले तो ये होता था ना, डिग्री होगी तो आप एंटर होगे वरना नहीं हो सकते, तो डिग्री की शर्त उन्होंने इसी वजह से ख़त्म कर दी है कि डिग्री सर्टिफाई नथिंग, कुछ भी सर्टिफाई नहीं करती। अच्छा, थोड़ा बहुत ये होता है कि अच्छा कोई अगर ऐसे ऐसे इदारे से आपने पढ़ा है जो बहुत उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, आपने MIT वगैरह से, हॉवर्ड से पढ़ा है जो पूरी दुनिया में लोग उसको जानते हैं, लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ा है अगर, तो वो दस होता है थोड़ा सा। वरना अगर आप अमेरिका में जाके बोलेंगे कि ये मैंने कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ा है तो वो तो उसका कोई मतलब थोड़ी है, उसका मतलब पता नहीं आप इसको इमेजिन कर पा रहे हैं या नहीं। मैं आपको यहाँ की मिसाल से समझाता हूँ। अभी आपको पाकिस्तान में कोई बंदा मिले वो कहे कि मैं बाहर मुल्क से डिग्री करके आया हूँ कंप्यूटर साइंस की, तो आप कहेंगे वाह यार गुड यार बहुत अच्छी बात है। तो आप कहेंगे फिर कहाँ से, कौन से मुल्क से? वो कहेगा मैंने इथियोपिया से कंप्यूटर साइंस की डिग्री की है, या अफगानिस्तान से की है, या इराक से की है। तो अब इराक से की हुई कंप्यूटर साइंस की डिग्री की जो वैल्यू आप यहाँ पे समझ रहे हैं ना, अमेरिका में वो पाकिस्तान की डिग्री की वही वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। इवन दो के वो अगर एडमिशन भी लेने के लिए ना, वो कहते हैं यार हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट दोगे तो मिलेगा एडमिशन वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अच्छा, और वहाँ के खुद की डिग्री की भी वैल्यू नहीं देते वो। अगर गूगल में आप जाता है कोई, यार एक चीज़ ये इसमें मसला है, डिस्कनेक्ट होता है। अच्छा, तो मिसाल के तौर पे अगर गूगल में कोई जाता है इंटरव्यू देने, तो वो डिग्री विग्री देख के ना फिर वो बोलते हैं कि यार ये हमारा इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं, ये टेस्ट पास करोगे तो हम जॉब पे रखेंगे। अच्छा, मगर ये github.com ना आपका अल्टीमेट क्रेडेंशियल है। मिसाल के तौर पे मैं सम टाइम, मुझे आपने कहते हुए सुना होगा कि मेरा 10 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, तो अब क्या सबूत है कि मैं 10 साल से वाकई में सॉफ्टवेयर कर रहा हूँ? इसका तो कोई सबूत नहीं है। अच्छा, डिग्री तो मैंने की नहीं है। डिग्री तो है ही नहीं मेरे पास, कोई डिग्री नहीं की मैंने, एडमिशन लिया था फिर मैंने छोड़ दिया, मेरी बस हो गई थी फिर छोड़ दिया मैंने। अच्छा, तो अब एक तो तरीका ये होगा कि आप मुझसे, मेरे साथ बहुत देर तक बैठे हैं, जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत लंबे टाइम तक आप पढ़ाई करेंगे, तो आप आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यार हाँ बंदे में एक्सपीरियंस तो है। या कहीं अगर इंटरव्यू में मैं फौरी तौर पर गया हूँ तो मैं उसको यार ज़्यादा से ज़्यादा ये रेफरेंस दूंगा कि मैं फलां जगह जॉब करता था, अच्छा ज़िंदगी में जॉब भी कभी नहीं की मैंने, ये भी एक बात है, तो वो भी कोई एविडेंस नहीं है। github.com इज़ द अल्टीमेट क्रेडेंशियल। मैं डेली बेसिस पे जो भी कोड लिखता हूँ यहाँ शेयर करता हूँ, और यहाँ पे आप जाएंगे
पिछले 10 साल में स्क्रॉल करेंगे तो वो चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, 2023, 2022, 2021, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अच्छा, 9 साल का तो रिकॉर्ड है। उससे पहले मैं गिटहब में नहीं था शायद। 2012-13 में शुरू किया था मैंने प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो इसमें 2015 में मैंने गिटहब ज्वाइन किया था। तो 2015 पे चले जाते हैं सीधा। तो ये आप देख रहे हैं 2015 में मैं किस चीज़ पे काम कर रहा था ना, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये इस पे काम कर रहा था मैं, टाइप एक्सप्रेस, टाइप स्क्रिप्ट और एक्सप्रेस पे काम कर रहा था मैं 2015 में। अच्छा, अब इसके अंदर जाके देख भी सकते हैं कि 2015 में मैंने क्या कोड लिखा था। ठीक है, ये रिपोजिटरीज यहाँ पे बनी हुई हैं, 333 रिपोजिटरी हैं। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है ये 333। तो आप जो भी मैंने काम किया ना, वो जाके आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। अच्छा, तो अभी मेरे पास, क्योंकि मैं फुल टाइम फ्रीलांसर हूँ, मेरे पास कोई भी क्लाइंट आता है तो मैं उसको अपने गिटहब की रिपोजिटरी का लिंक भेजता हूँ कि आई हैव 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और ये मेरी रिपोजिटरी है, इसको आप देखें। अच्छा, और जो उसने जो भी काम उसको चाहिए होता है उससे रेलेवेंट अगर कोई एक बात एग्जाम्पल है तो वो भी भेज देता हूँ। मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये रिपोजिटरी देखो, इसमें रेलेवेंट काम हुआ है। तो ये अल्टीमेट क्रेडेंशियल है आपका, इसको कोई झुठला नहीं सकता। अच्छा, या तो फिर एक तो ये हो सकता है ना पॉसिबिलिटी कि मैंने आज से 10 साल पहले सोचा हो कि अच्छा यार, मैं कभी जाऊँगा ASF में जाके पढ़ाऊँगा, मैं SLANI में पढ़ाऊँगा, तो उनको बताऊँगा, इंप्रेस करूँगा। यार ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर कभी आऊँगा मैं। तो क्या कहते हैं, इसको कोई झुठला नहीं सकता, ये अल्टीमेट क्रेडेंशियल है। तो आज से आपने अकाउंट बना लेना है github.com पे, और जो भी आप कोड लिखेंगे, इस क्लास में लिखें या आप घर पे लिखें, वो सारा कोड आपने यहाँ शेयर करना है। इवन दो मैं आपको अपनी बात बताऊँ, मैं प्रैक्टिस के लिए भी अगर कोई कोड लिखता हूँ या कोई नई चीज़ आती है उसको, उसका कोई डेमो वगैरह बनाता हूँ मैं, या इवन दो आपकी भी क्लास भी पढ़ाऊँगा मैं, तो जो कोड लिखूँगा छोटा मोटा, मैं कोई कोड अपने कंप्यूटर में नहीं छोड़ता, उसको गिटहब में भेज देता हूँ, दैट्स इट। अच्छा, और ये बहुत कन्वीनियंट है गिटहब यूज़ करना ना, आपको अपने कंप्यूटर में कोई कोड नहीं छोड़ना, सब इधर भेजना है। अच्छा, तो अब ये कैसे होगा, आपने यहाँ पे आके यहाँ पे ये ग्रीन बटन दिख रहा है आपको, मेरा कर्सर नहीं आ रहा यार प्रोजेक्टर के ऊपर ना, अच्छा तो टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर स्क्रीन के एक ग्रीन कलर का बटन दिख रहा है जिसके ऊपर ये न्यू लिखा हुआ है। अच्छा, ये बटन आप दबाएंगे तो थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है ये इंटरनेट में भी। अच्छा, तो ये क्रिएट न्यू रिपॉजिटरी का ना एक ये फॉर्म बना हुआ गया। अच्छा, यहाँ से आप क्या करते हैं, एक न्यू रिपॉजिटरी बनाते हैं। अच्छा, रिपॉजिटरी इसके लिए टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं रिपॉजिटरी, असल में तो ये एक फोल्डर है सही मानों में, सही है। अच्छा, लेकिन हम क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने जा रहे हैं तो हम वही टर्म यूज़ करेंगे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स करते हैं, यानी कि गिट हब रिपॉजिटरी, हम इसको फोल्डर नहीं बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, टर्मिनोलॉजी का बेनिफिट ये होता है कि जब दो प्रोफेशनल आपस में बात करते हैं ना तो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक टर्मिनोलॉजी डिग्री, अब मुझे किसी को कहना है कि यार 45 डिग्री पे ये बना दो, ये सीढ़ी 45 डिग्री पे बना दो, अब ये मुझे कहना है। अच्छा, मगर मुझे अगर डिग्री का टर्म नहीं पता, ये डिग्री एक ख़ास टर्म है, मुझे अगर ये नहीं पता इस टर्म को यूज़ किए बगैर मैं उसको कैसे बताऊँगा कि 45 डिग्री पे बनाना है इसको, वो तो बड़ा मुश्किल होगा। या मैं हाथ से बताऊँगा कि ऐसे यूँ ऐसे कर दो, या ऐसे कुछ पेपर पर ड्रॉ करके बनाऊँगा, तो फिर वो जाहिर फ़ौरन तो नहीं बन रहा ना, वो तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम अगले दिन का टास्क बता रहा होता है बंदा, इंजीनियर को या अब जो भी मजदूर होता है। अब वो अगले दिन उसने जो है ना वो ऐसे करके बना दिया 90 डिग्री पे, तो वो कहेगा कि साहब आपने तो ऐसे ही बोला था, तो बस हो गया आपका काम फिर। ठीक है, अच्छा मैं बाई द वे मैं बता सकता हूँ, मैं बगैर डिग्री का टर्म यूज़ किए हुए ना भी बात कर सकता हूँ मैं, लेकिन बात लंबी हो जाएगी, पूरा मजमून लिखना पड़ेगा मुझे। तो टर्मिनोलॉजी का बेनिफिट ये होता है कि फ़ौरन बात समझ आती है। दो दो इंजीनियर होते हैं ना, दोनों को वो टर्मिनोलॉजी पता होती है, या दो सोल्जर होते हैं, दोनों को वो टर्मिनोलॉजी पता होती है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे एक सोल्जर बैटल फील्ड में है, बंदे को गोली लगी हुई है, तो वो वायरलेस पे बोलेगा मैडिवैक,
वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे बंदे को गोली लगी है, मुझे मेडिकल सपोर्ट चाहिए और मुझे यहाँ से निकालो, इतनी लंबी बात करने का टाइम नहीं होता। वो बोलेगा मेडिवैक, सिंपल। तो ये टर्म है। अब अगर सामने वाले को ये टर्म नहीं पता, या जो जिसको गोली लगी है उसको नहीं टर्म ये पता, तो फिर तो मसला है। तो हम जितनी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती है ना, हम वो इस्तेमाल करेंगे। हाँ, लेकिन मैं वक्तन फवक्तन आपको बताता रहूँगा कि अच्छा इसको ये कहते हैं, ये असल में क्या चीज़ है। अच्छा, तो इस रिपोजिटरी का मैं नाम रख देता हूँ कि ASF और सेक्शन ए, सही है, ये मैंने इसका नाम रख दिया। अच्छा, इसमें अंडर स्कोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा इसको कैपिटल कर देता हूँ। सही है, इसको मैंने थोड़ा सा कैपिटल कर दिया ताकि देखने में थोड़ा सही लगे। अच्छा, ये पूछ रहा है रिपोजिटरी का नाम बता दें आप क्या है। नाम समझ आ गया रिपोजिटरी का। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है कि ये रिपोजिटरी पब्लिक होनी चाहिए या प्राइवेट। आपने फ़िलहाल जितनी भी रिपोजिटरी बनानी है उसको, तमाम रिपोजिटरी को पब्लिक रखना है, ठीक है, प्राइवेट रखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमें तो असल में करनी है मार्केटिंग। मैंने पहली क्लास में भी ये जिक्र किया था कि हम थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे, अच्छा, और जितनी पढ़ाई करेंगे उससे डबल प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी ज़्यादा। अच्छा, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उससे डबल हम उसकी मार्केटिंग करेंगे, तो मार्केटिंग सबसे ज़्यादा। क्योंकि भाई इस क्लास में तो आप जो भी तीर मारते हैं किसी को पता थोड़ी चलेगा, ठीक है। अच्छा, आप हेलो वर्ल्ड भी बना रहे हैं ना, अगर बिल्कुल छोटा प्रोग्राम, तो आपको लग रहा है कि ये तो मैंने अभी हेलो वर्ल्ड बनाया, तो वो भी आपने लोगों को शेयर करना है, वो भी लोग शोर मचाना है। तो ज़ोर से शोर मचा के ना, आपके जितने भी अजीज़ रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं ना, सबको एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि यार ये जो भी नाम है आपका, कि भाई ये शवाक भाई तो वो कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बनाना सीख रहे हैं, एग्जैक्टली पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जंगल में डार्क रेन फॉरेस्ट में तो बहुत कुछ हो रहा है, मोर नाच रहे हैं वहाँ पे, लेकिन वो कोई देख तो नहीं रहा उसको, तो ये दिखाना पड़ेगा। सही है, दिखाना पड़ेगा तो बंदे देखेंगे, वरना नहीं देखेंगे। जो हमारे पास सोशल मीडिया की पावर है उसका हमें पॉजिटिव यूज़ करना है, और गिटहब में जो भी आप कोड पुश करेंगे फिर वो आप फेसबुक पे भी लगाएंगे कि यार आज मैंने ये कोड लिखा था, ये गिटहब में फला जगह पे पड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस क्लास आपके पास अच्छा खासा एक प्रोफाइल बन चुका होगा आपका। अच्छा, तो पब्लिक पे आपने सेलेक्ट किया। अच्छा, बाकी जो नीचे वाले हैं इसको छेड़छाड़ नहीं करनी है कोई, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट पे फिलहाल के लिए इसको रखना है, टू कीप इट सिंपल। वैसे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, और क्रिएट रिपोजिटरी नीचे जो ग्रीन बटन है ये आपने प्रेस कर देना है। अच्छा, जब ये रिपोजिटरी बन के सही हो जाएगी तो कुछ इस तरह से आपको ये दिखेगा, ठीक है। ये मेरा नाम लिखा हुआ है स्लैश, और मेरी रिपोजिटरी का नाम लिखा हुआ है, साथ में ये लिखा हुआ रहा है कि पब्लिक है ये, और उसके बाद नीचे ना कुछ क्विक स्टार्ट के कुछ बातें लिखी हुई हैं। अच्छा, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये URL है। अच्छा, ये URL HTTPS से शुरू है और ये डॉट गिट इसके लास्ट में लिखा हुआ है, ये ख़त्म है, GIT गिट। अच्छा, तो ये वाला URL आपको होना। अच्छा, शुरू में अगर इसके HTTPS नहीं लिखा हुआ रहा है ना, तो आपको ये इधर HTTPS पे क्लिक करना है, क्योंकि एक SSH भी होता है। SSH करूँगा ना, देखो ये HTTPS से शुरू नहीं हो रहा है, ठीक है, तो HTTPS पे क्लिक कर देना अगर इसमें शुरू में HTTPS नहीं लिखा हुआ रहा हो, तो HTTPS पे क्लिक करना है, फिर वो आएगा। अच्छा, तो ये URL क्या करूँगा मैं, ऐसे कॉपी करके उसको ना, राइट क्लिक करके इसको मैंने कॉपी कर लिया इस URL को। अच्छा, उसके बाद मैं जाऊंगा अपने किसी भी फोल्डर में, ठीक है, मेरे केस में फ़िलहाल मैं आ गया हूँ डेस्कटॉप पे। अच्छा, डेस्कटॉप पे आके या किसी भी फोल्डर में जाके मैंने टर्मिनल खोलना है, ठीक है। टर्मिनल अब किस चीज़ को कहते हैं, पहले तो मैं आपको खोल के दिखा दूँ। टर्मिनल खुल रहा क्यों नहीं है। अच्छा, ये टर्मिनल है, तो लिनक्स में और मैक में इसको टर्मिनल कहते हैं, और विंडोज़ में भी होता तो टर्मिनल ही है, लेकिन उसका नाम इन्होंने कमांड प्रॉम्प्ट रखा हुआ है विंडोज़ में। तो अगर आप विंडोज़ में जाएंगे तो आप स्टार्ट का बटन दबाएंगे और CMD लिखेंगे ना आप, तो ये कमांड प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन जब ये कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा ना,
जब ये टर्मिनल खुलता है पहली दफ़ा, तो आप यहाँ पे देखें ये खुला है, अलिफ मद्दा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको कहते हैं होम डायरेक्टरी। तो लिनक्स में या मैक में जब ये खुलता है टर्मिनल तो ये होम डायरेक्टरी पे खुलता है। अच्छा, और जब ये विंडोज़ में खुलता है तो ये सी ड्राइव में खुलता है बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा, लेकिन हमें सी ड्राइव में नहीं खोलना है इसको, हमें एक हमारी मर्ज़ी के एक फ़ोल्डर में खोलना है। अच्छा, तो अब इसका क्या तरीका है, मैं दोनों में बता देता हूँ कि लिनक्स मैक में क्या होगा और फिर विंडोज़ का भी आपको बता देता हूँ। अच्छा, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक फ़ोल्डर बना हुआ है यहाँ पे क्लास के नाम से, ना यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना हुआ है मेरे पास क्लास के नाम से, जिसके अंदर मैं तमाम क्लासेस को रखता हूँ। अच्छा, तो मुझे ये टर्मिनल जो है इस क्लास वाले फ़ोल्डर में लाना है, तो मैं क्या करूँगा, सी डी लिखूँगा स्पेस डाल के, और उसके बाद ये क्लास को ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करूँगा, तो ये इसका पाथ पूरा लिखा हुआ जाएगा, सी डी चेंज डायरेक्टरी के लिए इस्तेमाल होता है, और एंटर कर दूँगा मैं। ठीक है, तो ये आप देखें अब क्लास में आ गया, ये ठीक है, ये क्लास में बना हुआ आ गया। अच्छा, अल्टरनेटिवली मैंने एक शॉर्टकट सेट किया हुआ है, तो मैं आमतौर पर ऐसा करता हुआ नहीं दिखूँगा, ये शॉर्टकट मैंने सेट किया हुआ है, इस पर आके मैं एक शॉर्टकट प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और टी, तो ये इसमें खुल जाता है, तो ये आमतौर पर मैं शॉर्टकट यूज़ करता हुआ आपको नजर आऊँगा। अच्छा, दूसरी बात, ये तो हो गया लिनक्स में और मैक में ये सेम तरीका है। अच्छा, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ लिनक्स और मैक, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम जो है वो डेवलपर्स ख़ास तौर पे लिनक्स या मैक यूज़ करते हैं। ठीक है, बेहतर रहता है उनका, उनको ज़्यादा पसंद आता है ये। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर की जो दुनिया है वो लिनक्स या मैक पे चलती है ज़्यादातर, विंडोज़ के यूज़र ना कम है उसके अंदर। विंडोज़ सिर्फ वो लोग यूज़ करते हैं जो या तो विंडोज़ की ऐप बनाते हैं या तो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जो विंडोज़ के अलावा किसी पे चलता नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसका रीज़न है, उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि लिनक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके कोई चार्जेस नहीं होते। वैसे तो विंडोज़ भी हम फ्री में यूज़ करते हैं, लेकिन असल में एंटरप्राइज अगर आप हैं तो विंडोज़ आप फ्री में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो फिर वो एंटरप्राइज की वैल्यू गिर जाती है, वो कुछ इवैल्यूएशन वाले लोग होते हैं, वो आते हैं और वो इवैल्यूएट करते हैं कि यार क्या कैसा चल रहा है मामला अंदर, तो वो अगर देखते हैं कि फ्री वाली विंडो है ना पायरेटेड, तो वो वैल्यू गिर जाती है। तो इसी वजह से, और फिर उसका एक नाम भी होता है ना, अब आपको सुनने को मिले कि अच्छा यार मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो फ्री वाला विंडो यूज़ कर रही है, तो कैसा लगेगा, एक बुरा इंप्रेशन है। या कोई गूगल या कोई बड़ा माइक्रोसॉफ्ट कोई कंपनी है या कोई ऐसी बड़ी कंपनी है जिसका एक मार्केट में एक नाम है, और वो पता चल जाए किसी को कि यार ये तो फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं, तो एक बदनामी का सबब भी है। तो यही वजह है कि लिनक्स फ्री ऑफ कॉस्ट है यूज़ करने के अतबार से। तो ज़्यादातर जो सर्वर बने हुए हैं ना पूरी दुनिया में, जो सर्वर का एनवायरनमेंट है पूरी दुनिया में, वो लिनक्स के ऊपर चलता है 90% ऑफ द टाइम। बाकी 10% कुछ और भी हैं, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के भी सर्वर चलते हैं। तो यही वजह है, क्योंकि सर्वर के एनवायरनमेंट में लिनक्स होता है तो डेवलपर को उससे भिड़ना पड़ता है, तो डेवलपर फिर जाहिर है उसका लिनक्स पे हाथ सेट होना चाहिए। अब वो फिर लिनक्स पे इतना हाथ सेट हो जाता है कि वो फिर लिनक्स ही यूज़ करता है, तो इस तरह वो ट्रांजिशन ना पूरा इधर आ जाता है। वेल, तो इसलिए मैंने ये तरीका जिक्र कर दिया। अच्छा, अब विंडोज़ में मैं जिक्र कर देता हूँ ये कैसे खुलेगा। विंडोज़ में आप जाएंगे विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर में, ठीक है, मेरे पास क्योंकि विंडोज़ नहीं है तो मैं इमेजेस खोल के आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कैसे होगा। ओके, ठीक है, कुछ इस तरह का होता है विंडोज़ का एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर। अच्छा, ये जिस चीज़ पे इसने एरो बना के लिखा हुआ है ना, एड्रेस बार है ये, जिस चीज़ पे एड्रेस बार इसने ज़िक्र किया हुआ है, सब लोग फाइंड आउट कर पा रहे हैं दरमियान में बिल्कुल एड्रेस बार जो लिखा हुआ है, तो ये एक पट्टी है, इसमें क्विक एक्सेस शुरू में लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और इसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको आप मिटा देंगे, और उसमें आप लिखेंगे CMD और एंटर कर देंगे आप। ठीक है, तो जिस फोल्डर में भी आप खड़े हुए ना उसी फोल्डर में कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। अच्छा, तो मिसाल के तौर पे आपको डेस्कटॉप पे आके अगर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है तो आप क्या करेंगे, आप डेस्कटॉप के फोल्डर में चले जाएंगे पहले, या माई प्रोजेक्ट करके आपने कोई फोल्डर बनाया उस प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे आप। उसके अंदर जाने के बाद आप क्या करेंगे, इस पट्टी पे आके ना जो भी लिखा हुआ है उसको मिटा देंगे, CMD लिखेंगे, एंटर करेंगे, उसी फोल्डर में कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। ठीक है, अगर ये करके देखना चाहें तो अभी करके देख सकते हैं, कोई एक बंदा करके देख ले, एक दो बंदा। किसी भी फोल्डर में जाएं, डेस्कटॉप पे या जहाँ पे भी, और एड्रेस बार में जाके ना फिर क्लिक करें, जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको मिटा दें और CMD लिख के एंटर करें वहाँ पे। सही है, खुल गया, सब लोगों के सही है, गुड, वेल डन यार।
अच्छा जी, सही है, यहाँ पे मुतवज्जो हो जाएं। कुछ लोगों से हो गया तो आप, मुझे उम्मीद है कि अगर बाकी लोग स्टक होंगे तो ये हेल्प कर देंगे। ठीक है, तुम लोगों से हो गया ना, बाकी लोगों से अगर ना हो तो उनको हेल्प आउट कर देना। अच्छा, ये खुल गया कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल आपके उस फोल्डर में खुल गया। यहाँ पे आपको लिखना है आके गेट स्पेस और वो URL जो मैंने कॉपी किया था, पेस्ट कर दिया मैंने उसको। ठीक है, ये मैं वापस जाके दिखा रहा हूँ, ये कौन सा URL, ये वाला URL जो हमने कॉपी किया था ना, मैंने लिखा है गेट, सॉरी गेट के बाद क्लोन भी लिखना था, ये मैंने गड़बड़ कर दी, गेट के बाद क्लोन भी लिखना था, गेट क्लोन, और ये URL पेस्ट कर दिया मैंने और एंटर कर दिया। अच्छा, ये कमांड मेरे पास चल गया और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि क्लोनिंग इनटू ASF सेक्शन ए, और वार्निंग में लिखा हुआ रहा है कि यू अपियर टू हैव क्लोन एन एम्प्टी रिपोजिटरी, क्योंकि हमारी रिपोजिटरी में कुछ है नहीं, अभी एक खाली रिपोजिटरी है, तो वो उसका ये एक इसने वार्निंग दी है कि यार खाली है बिल्कुल आपका फोल्डर। अच्छा, आप मगर जब ये कमांड चलाएंगे पहली दफ़ा ज़िंदगी में तो आपके पास एरर आ जाएगा। ठीक है, एरर क्या आएगा, वो बोलेगा कि गिट इज़ नॉट रिकग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। वो बोलने का मतलब उसका ये कि गिट आपके मशीन में इंस्टॉल नहीं है, तो आपको ना ये कमांड चलाने से पहले गिट को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपनी मशीन में। अच्छा, वो कैसे होगा, एक तो गिट हब है ना, गिट हब तो फेसबुक के जैसा एक प्लेटफॉर्म है, क्लाउड बेस है। ठीक है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, CLI बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अच्छा CLI बेस्ड सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, जो कमांड लाइन पर चलता है। ठीक है, आमतौर पे हमारे यहाँ जो अभी सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, मोबाइल ऐप्स वगैरह जो हम चलाते हैं, वो CLI बेस नहीं होते, वो GUI बेस होते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। लेकिन कंप्यूटर जब नए नए आए थे ना, तो उस वक्त कंप्यूटर में ग्राफिक्स नहीं हुआ करती थी, ये पिक्चर्स वगैरह ये सब नहीं होती थी, तो कंप्यूटर पूरा का पूरा चलता था टर्मिनल के ऊपर। सही है, जो टर्मिनल अभी हमने देखा या कमांड प्रॉम्प्ट देखा, तो कंप्यूटर पूरा का पूरा चलता था टर्मिनल के ऊपर, लोग आपस में चैट भी इसी तरह करते थे, इंटरनेट के जरिए जो चैट करते थे आपस में, या जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती थी या जो भी सॉफ्टवेयर बनते थे, जो आम लोग, इवन दो के MS Word जैसा सॉफ्टवेयर भी टर्मिनल पर चलता था। ठीक है, तो वो शुरू में, तो ग्राफिक्स तो बहुत रिसेंट चीज़ है, तो तकरीबन जब कंप्यूटर जब आया था तो 20 साल के करीब वो CLI बेस रहा था पूरा का पूरा, फिर उसके बाद जो है वो विंडोज़ पता नहीं 95 में जाके शायद ग्राफिक्स इंट्रोड्यूस हुआ था, तो फिर उसके बाद ये जो है ना मामलात आए कि अच्छा माउस आ गया, माउस भी नहीं था, माउस ये ग्राफिक जब आई है तो माउस आया है, माउस पहले नहीं हुआ करता था, पहले सिर्फ कीबोर्ड होता था कंप्यूटर में, उसी से चलता था वो, क्योंकि टर्मिनल के अंदर माउस की ज़रूरत ही नहीं होती आपको। ठीक है, तो जो गिट आप लिखेंगे जाके यहाँ पे, सिर्फ गिट, या देखें सिर्फ गिट लिखा है मैंने, गिट हब नहीं लिखा इस बार मैंने, और एंटर कर दिया। अच्छा, तो ये पहला फोल्डर आ गया गिट SCM करके, ये नाम है इसका। ठीक है, एंटर करके मैं इसके अंदर चला गया। अच्छा, तो ये CLI बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ये जब इंस्टॉल होगा ना तो ये टर्मिनल पे चलेगा, कमांड प्रॉम्प्ट पे चलेगा। अच्छा, अब ये कमांड प्रॉम्प्ट पे क्यों चलता है, उसका मेन रीज़न ये है कि डेवलपर के लिए बनाया गया है ये, इसको इस सॉफ्टवेयर को सिर्फ डेवलपर यूज़ करते हैं और कोई यूज़ नहीं करता। अच्छा, डेवलपर जो है आमतौर पर वो CLI पे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। अब क्या रीज़न है उसका, CLI पे क्यों कंफर्टेबल होता है, वो तो 20 साल हो गए GUI, बल्कि अब तो 30 साल होने वाले हैं, 95 से अगर हम कैलकुलेट करें तो 30 साल होने वाले हैं एक आदमी और, तो क्या वजह है कि डेवलपर को ये CLI बेस्ड टूल अच्छा लग रहा है। उसका रीज़न ये है कि जैसा कि मैंने जिक्र किया कि पूरी दुनिया में जो सर्वर होते हैं बड़े बड़े और जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, वो सब लिनक्स पे चलते हैं। ठीक है, नासा वगैरह ये लोग सब लिनक्स यूज़ करते हैं, तो उसमें जो है ना GUI नहीं होती है। सही है, उसमें ग्राफिक्स नहीं होती, वो टर्मिनल पे चलता है। अच्छा, वो टर्मिनल पे इसलिए चलता है, जैसे आप इमेजिन करें, आप फेसबुक का डेटा सेंटर है, अब फेसबुक के डेटा सेंटर में एक कंप्यूटर तो है नहीं, हज़ारों की तादाद में कंप्यूटर हैं। अच्छा, तो जब ग्राफिक उस पर डालते हैं ना, तो ग्राफिक का थोड़ा सा एक अपना लोड होता है। ठीक है, वो थोड़ा सा एडिशनल रिसोर्सेज को वो यूटिलाइज करता है, जाहिर है ग्राफिक्स, मतलब बिल्कुल ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई उसका लोड ना हो, कोई उस रिसोर्स यूटिलाइजेशन ना हो, तो वो थोड़ा सा रिसोर्स एक्स्ट्रा इस्तेमाल करता है अगर उसमें GUI डाल दी जाए, यानी स्क्रीन और माउस वाला सिस्टम डाल दिया जाए, तो उसको बचाने के लिए ना, क्योंकि मैक्सिमम पावर निकालनी होती है एक कंप्यूटर से, तो उस मैक्सिमम पावर को सस्टेन करने के लिए वो उसमें GUI रखते ही नहीं, वो टर्मिनल होता है बेस। ठीक है, अच्छा, तो अब डेवलपर को जब उसमें, जैसे फेसबुक में जो काम कर रहे हैं लोग डेटा सेंटर में, या इवन दो हम लोग भी जब अपनी ऐप बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं क्लाउड में डिप्लॉय करते हैं, तो जहाँ पे क्लाउड में डिप्लॉय करते हैं ना, वहाँ पे स्क्रीन नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ टर्मिनल होता है।
तो ये सॉफ्टवेयर वहाँ चल नहीं पाएगा, अगर ये टर्मिनल पे नहीं हुआ तो ये वहाँ चलेगा ही नहीं, है ना। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि क्योंकि मेरी अब इतनी आदत हो गई है टर्मिनल पे काम करने की कि मुझे जीयूआई पे लगता है कि टाइम ज़ाया हो रहा है माउस को टच करने में ना, माउस को जब हाथ लगाते हैं आप, तो ये कोई भी एक्सपीरियंस डेवलपर होगा उससे आप पूछेंगे कि वो माउस को हाथ लगाने से गुरेज करता है ख़ास तौर पे काम करते हैं, तो माउस को टच करने से ना, क्योंकि माउस को ऐसे वो पॉइंट करना पड़ता है, ऐसे निशाना लगा के क्लिक करना पड़ता है, उससे टाइम ज़ाया होता है। कीबोर्ड पे चीज़ें जल्दी होती हैं, तो क्या कहते हैं टर्मिनल के ऊपर वो सारा काम कीबोर्ड में करते करते ना उसको इतनी आदत हो जाती है कि वो चाहता है फिर हर चीज़ सीएलआई में हो। तो गिट इस, ये दो रीज़न की वजह से ना गिट सीएलआई बेस है, जीयूआई बेस नहीं। हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर और भी ऐसे छोटे छोटे टूल्स पढ़ेंगे, वो आप देखेंगे वो सारे सीएलआई बेस हैं, क्योंकि लिनक्स के एनवायरनमेंट में, सर्वर के एनवायरनमेंट में सीएलआई होता है सिर्फ, उसमें ग्राफिक्स नहीं होती है, डेस्कटॉप उसके अंदर नहीं होता। अच्छा, इसको डाउनलोड करने के लिए आप क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ पे बटन आ रहा है छोटा सा, ये ग्रीन कलर का छोटा सा, डाउनलोड फॉर मैक इस पर लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं मैक मशीन पर हूँ, उसमें डाउनलोड फॉर मैक है, आपके केस में ये आ रहा होगा डाउनलोड फॉर विंडोज़ आ रहा होगा। अच्छा, मैं इसके अंदर चला जाता हूँ डाउनलोड फॉर मैक के अंदर। अच्छा, नीचे ये विंडोज़ भी लिखा हुआ है बाय द वे, मैं विंडोज़ में चला जाता हूँ ना, फिर विंडोज़ में चला जाता हूँ। बहुत स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है इंटरनेट हमारा। अच्छा, तो ये डाउनलोड फॉर विंडोज़ वाले सेक्शन में चला गया मैं, उसमें आ रहा था, शो हो रहा था। यहाँ पे 64-bit सेटअप फॉर विंडोज़ जो है ना, ये आपने डाउनलोड कर लेना है। इसको आप डाउनलोड करेंगे, एक्जी फाइल डाउनलोड होगी, नेक्स्ट 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 करेंगे, वो इंस्टॉल हो जाएगा, दैट्स इट। इंस्टॉल करने के बाद सम टाइम विंडोज़ कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, और जब आप इंस्टॉल कर लेंगे ना, आपने आगे यहाँ पे लिखना है गिट माइनस माइनस वर्जन, ठीक है, और एंटर करेंगे आप तो ये आपको बता देगा कि गिट का वर्जन जो है वो 2.39.1 है, या जो भी लेटेस्ट वर्जन उस वक्त होगा वो आपको ये बता देगा कि ये वर्जन इस वक्त गिट का इसमें चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर तो आपके पास ये शो नहीं हो रहा गिट माइनस माइनस वर्जन जो है, अगर इस पे भी ये वो मना कर रहा है, बोल रहा है कि भाई गिट इज़ नॉट रिकग्नाइज, इस तरह की कोई बात कर रहा है, ठीक है, तो फिर आप ग्रुप में ना वो फोटो लेके डालिएगा, व्हाट्सएप का जो ग्रुप बना हुआ है हमारा, तो उसमें वो कोई ना कोई आपकी फिर हेल्प करेगा, ठीक है। और विंडोज़ अगर वो ना हो तो विंडोज़ कंप्यूटर को रीस्टार्ट सम टाइम करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो करके देखिएगा आप। अच्छा, या सिर्फ आप गिट भी लिखेंगे ना तो भी ये कुछ ना कुछ शो करेगा, सही है। अभी आप लिखेंगे ना गिट तो उसमें कुछ भी शो नहीं करेगा, वो बोलेगा नॉट रिकग्नाइज। अभी सिर्फ आप गिट भी लिखेंगे तो ये बता रहा है कि अच्छा यार ये सारे ऑप्शन है कि गिट क्लोन, गिट इनिट, ऐड और रीस्टोर, और ये सारे ऑप्शन बता रहा है कि ये ऑप्शन होते हैं, ठीक है, ये यूजेज बता रहा है कि किस तरह से ये चलता है, गाइड कर रहा है, क्योंकि सीएलआई बेस है ये, तो इसमें गाइड वाइड सब इसी के अंदर ही है। अच्छा, तो ये सब कुछ करने के बाद, मैं स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ, क्लियर का कमांड लिख के, ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो गिट क्लोन और वो यूआरएल, ये वाली कमांड आप चलाएंगे, ठीक है। तो वो वाली कमांड चलाने से क्या होगा, जो रिपॉजिटरी आपने अभी अभी github.com पे बनाई है वो वहाँ से डाउनलोड होके आपके कंप्यूटर में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसको डाउनलोड करने का एक और भी ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, अभी वो शो नहीं हो रहा, लेकिन जब कुछ कोड आएगा तो वो शो हो जाएगा, उस पर लिखा होता है डाउनलोड एज जिप, सही है, उस पर लिखा होता है कि डाउनलोड एज जिप, वो आपने किसी ने भी नहीं करना, आपने ये क्लोन वाला तरीका करना है, ठीक है, क्योंकि क्लोन एक टर्मिनोलॉजी है, कि क्लोन का मतलब होता है कि वो भी रहेगा और आपके पास भी एक आ जाएगा, दो हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे फीचर्स आपको मिलते हैं क्लोन करने से, जो आप एज अ जिप डाउनलोड करेंगे ना वो मिस हो जाते हैं सारे, ठीक है। तो हमने ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना, इस तरीके से करना है फिलहाल के लिए। हाँ, वंस जब आपको अच्छी तरह आ जाए तो फिर आप जैसे भी करते रहें, ठीक है। वंस फॉर गेटिंग स्टार्टेड, ये सबसे आसान तरीका है, इस तरह से आपने करना है। अच्छा, ये क्लोन होके आ गया, क्लोन हो गया उसके बाद मैं क्या करूँगा, सी डी करूँगा, ठीक है, उस फोल्डर के अंदर जाने के लिए। या मैं ये भी कर सकता हूँ कि पहले उस फोल्डर में चला जाऊँ, वहाँ जाके अलग से टर्मिनल खोल लूँ, ये भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से सी डी करूँगा और ए एस जो भी मेरा जो फोल्डर का जो नाम है उसके शुरू के एक दो लेटर्स लिख के ना, और टैब का बटन दबाऊँगा मैं, तो ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। टैब का बटन आपके कंप्यूटर में होता है कैप्स लॉक के ऊपर होता है, ठीक है। टैब का बटन दबाऊंगा और एंटर कर दूंगा, ठीक है। अगर तो वो नाम आपने गलत लिखा है तो फिर नहीं होगा कंप्लीट, अगर वो नाम का लेटर सही था, जैसे ए एस एफ मैंने सही लिखा है, यही नाम था फोल्डर का, तो वो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा टैब दबाने से। अच्छा, अब ये मेरा डायरेक्टरी जो आ गई है किसके अंदर आ गई है, अभी अभी जो मैंने रिपॉजिटरी क्लोन की है ये उसके अंदर आ चुका हूँ मैं टर्मिनल में। अच्छा, एक चीज़ और मैं जिक्र करता चलूँ साथ साथ,
जब आप रिपोजिटरी को क्लोन करेंगे ना, तो यहाँ पे आपके कंप्यूटर में ये जस्ट लाइक अ नॉर्मल फोल्डर दिखेगा, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखें, दिस इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल फोल्डर। इसके नीचे एक और फोल्डर भी बना हुआ है, इसके नीचे एक और भी बना हुआ है। दिस इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल फोल्डर। तो नॉर्मल फोल्डर में और गिट के रिपोजिटरी में क्या फ़र्क है? जब आपके कंप्यूटर में ये आ जाता है, तो नॉर्मल फोल्डर और एक रिपोजिटरी टाइप का जो फोल्डर है, उसमें डिफरेंस ये होता है कि जब आप हिडन फाइल्स को शो करेंगे ना, मैं हिडन फाइल को शो करने के लिए शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहा हूँ, कमांड शिफ्ट और डॉट, ठीक है? विंडोज़ में क्या होता है, ऊपर व्यू लिखा हुआ रहा होता है, उस पर आप क्लिक करते हैं और जाके शो हिडन फाइल पे चेक लगा देते हैं, तो उससे हिडन फाइल शो हो जाती है। तो यहाँ पे ना एक डॉट गिट करके छोटा सा फोल्डर एक लिखा हुआ रहा होगा, ठीक है? हिडन फोल्डर है, थोड़ा डिम दिख रहा है ये, डॉट गिट करके एक छोटा सा फोल्डर है, ये इसमें बना हुआ आ रहा होगा। तो इसका मतलब है कि ये फोल्डर एक नॉर्मल फोल्डर नहीं है, ये एक गिट की रिपोजिटरी है, ठीक है? अब गिट की रिपोजिटरी होने से इसके अंदर कुछ एडिशनल कैपेबिलिटीज़ आ जाती हैं, वो हम अभी वक्तन फवक्तन डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी कैपेबिलिटीज़ होती हैं जो इसमें आ जाती हैं, ठीक है? अच्छा, तो अब हमने क्या कर लिया, इस फोल्डर के अंदर आ गए, यहाँ पे आके मैं एल एस करूँगा ना जब, ठीक है? एल एस माइनस ए किया मैंने। एल एस क्या होता है कि अगर किसी फोल्डर में आप मौजूद हैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर या टर्मिनल के अंदर, तो आप एल एस करके क्या देखते हैं, तमाम फाइल और फोल्डर्स को आप देखते हैं, ठीक है? सिर्फ एल एस करने से नॉर्मल फाइलें दिखती हैं, एल एस माइनस ए करने से हिडन फाइलें भी शो करते हैं। तो जैसे आप देखें, एल एस माइनस ए किया ना मैंने, तो इसने डॉट गिट करके मुझे दिखा दिया कि हाँ यार, ये डॉट गिट इसमें मौजूद है, ठीक है? तो टर्मिनल से भी आप देख सकते हैं अगर आपको हिडन फाइल शो करनी नहीं आ रही। अच्छा, एल एस वाली जो कमांड है ये लिनक्स और मैक में, विंडोज़ में इसके लिए कमांड होती है डी आई आर, सही है? विंडोज़ में ये कमांड डिफरेंट है, डी आई आर है इसके अंदर। अच्छा, यहाँ तक का तो काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस फोल्डर में जाके मैंने एक फाइल बना देनी है, ठीक है? आज हम सीख रहे हैं गिटहब डॉट कॉम क्या चलाना सीख रहे हैं आज हम, है ना? आज हम गिटहब डॉट कॉम को यूज़ करना सीख रहे हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले गिटहब डॉट कॉम पर गया, थोड़ा सा ओवरव्यू लिया कि भाई क्या क्या बटन्स हैं यहाँ पे। उसके बाद एक नई रिपॉजिटरी क्रिएट की है गिटहब डॉट कॉम पर जाके, ठीक है? फिर उस रिपॉजिटरी को क्लोन किया है, ठीक है? रिपॉजिटरी को क्लोन करने के लिए कमांड चलाई हमने गिट क्लोन और रिपॉजिटरी का यूआरएल। अच्छा, फिर वो गिट का जो सॉफ्टवेयर था मेरे पास, तो वो इंस्टॉल है पहले से, लेकिन क्योंकि आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा, तो उसको इंस्टॉल करना हमने सीखा कि अच्छा यार, ये इंस्टॉल किस तरह से होगा, डाउनलोड कैसे होगा इंस्टॉल। अब डाउनलोड करने के बाद, उसको इंस्टॉल करने के बाद, गिट की वो रिपॉजिटरी को क्लोन करने के बाद, अभी इस जगह पर हम आगे खड़े हो चुके हैं। अच्छा, अब अगला काम हमने क्या करना है कि मेरे इस गिट की रिपॉजिटरी में, जो अभी अभी मैं क्लोन करके अपनी मशीन में ला चुका हूँ, इसमें कोई छोटी मोटी फाइल बनानी है, और छोटी मोटी फाइल बना के इसको वापस पुश करना है गिटहब डॉट कॉम पर, ठीक है? तो ये वापस पुश हम कर लेंगे, तो हमारा ये गिट का टॉपिक ना आज का कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद जितने भी हम ऐप्स लिखेंगे, उसको सबको गिटहब में पुश किया करेंगे। अच्छा, तो अब अगला काम क्या करना है, इसमें इस फोल्डर के अंदर आके ना मैंने लिखना है कोड स्पेस डॉट। अच्छा, ये कमांड भी आप जब पहली दफ़ा चलाएंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा, सही है? अच्छा, क्यों एरर आ जाएगा, क्योंकि ये विजुअल स्टूडियो कोड एक टेक्स्ट एडिटर है, उसको खोलने की कमांड है। अच्छा, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, पहले आप जाएंगे, आप लिखेंगे वी एस कोड, ठीक है? ये वी एस कोड आपने लिखना है, एक होता है सिर्फ वी एस होता है, सही है? एक सिर्फ वी एस होता है, वो उसका कलर भी चेंज होता है, पर्पल कलर का होता है वो। अगर मैं सिर्फ लिखूंगा ना वी एस, तो वो इस तरह का होता है पर्पल वाला, ये नहीं हमने करना, हमने करना है वी एस कोड। वी एस कोड जो है वो एक लाइट वेट टेक्स्ट एडिटर है, जो आमतौर पे हम कोडिंग करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, आपने जाना है इस वेबसाइट के अंदर। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर मैक, आपके केस में ये लिखा हुआ होगा डाउनलोड फॉर विंडोज़। आपने जस्ट इसको डाउनलोड का बटन दबाना है, एक एग्जी फाइल डाउनलोड होगी, नेक्स्ट 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 करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगी वो, ठीक है? इंस्टॉल होने के बाद आपको जो है वो कुछ इस तरह से, कैसे जाते थे उसमें, हाँ, कुछ इस तरह का इसका फोल्डर आपको नज़र आ जाएगा इंस्टॉल होने के बाद ना, आपने डेस्कटॉप पे मोस्ट प्रॉब्ली नज़र आ जाएगा आपको, ठीक है? अच्छा, तो जब वो इंस्टॉल हो जाए, सम टाइम इसको इंस्टॉल करने के बाद भी विंडोज़ कंप्यूटर के अंदर सम टाइम रीस्टार्ट करना पड़ता है कंप्यूटर को, ठीक है? तो आप उसको इंस्टॉल करने के बाद, रीस्टार्ट करने के बाद, आप यहाँ पे लिखेंगे कोड स्पेस डॉट। अच्छा, कोड स्पेस डॉट का क्या मतलब है कि मैं जिस फोल्डर में इस वक्त मौजूद हूँ, ठीक है, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ए एस एफ सेक्शन ए, ये मेरी गिटहब की रिपॉजिटरी अभी अभी मैंने क्लोन की है,
तो कोड स्पेस डॉट का मतलब ये है कि जिस फोल्डर में मैं अभी खड़ा हुआ हूँ राइट नाउ, इसको VS कोड का जो टेक्स्ट एडिटर है उसमें ओपन कर दिया जाए, ठीक है? इसका ये मतलब है इस कमांड का। तो मैंने लिखा कोड स्पेस डॉट, एंटर कर दिया मैंने। कोड स्पेस डॉट लिख के जैसे ही मैंने एंटर किया, तो आप देखेंगे ये VS कोड का टेक्स्ट एडिटर ओपन हो गया मेरे पास। अच्छा, और इसके अंदर जो है ना, ये आप देखें ये फोल्डर का नाम लिखा हुआ है कि इसमें ये फोल्डर इस वक्त खुला हुआ है। अच्छा, VS कोड जो है वो जस्ट एक टेक्स्ट एडिटर है, नथिंग एल्स। ये वाला काम आप नोटपैड पे भी कर सकते हैं, कोई और अगर आपका VS कोड के अलावा कोई फेवरेट टेक्स्ट एडिटर है तो उस पर भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है? VS कोड के अंदर कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। अच्छा, लेकिन VS कोड हम इस क्लास में क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि अमंग द डेवलपर्स, जो पूरी दुनिया के डेवलपर्स हैं, वो इस टेक्स्ट एडिटर को काफ़ी लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ठीक है? और ये लाइट वेट है, मैं खुद भी पर्सनली इस पर काम करता हूँ, तो इसलिए हम इस क्लास में ये वाला यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, कल को अगर कोई और आ गया तो फिर हम उस पर मूव कर जाएंगे, ठीक है? क्योंकि मार्केट में तो नई चीज़ें आती रहती हैं, तो जो नई चीज़ होगी हम उस पर मूव कर जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जाके ये एक न्यू फाइल का एक बटन आ रहा है छोटा सा यहाँ पे। इस न्यू फाइल के बटन को मैं दबाऊंगा। अच्छा, ये न्यू फाइल ज़रूरी नहीं है कि मैं टेक्स्ट एडिटर से बनाऊँ, मैं फोल्डर में जाके वैसे भी बना सकता था, सही है ना? वो तो एक जो गिट का मेरे फोल्डर है उसमें वैसे भी जाके मैं राइट क्लिक करके न्यू फाइल बना सकता हूँ, दैट नो प्रॉब्लम, सही है? बट मैं यहाँ से बना रहा हूँ क्योंकि अब हमने ये इसी तरह से करना है, हमने टेक्स्ट एडिटर पे ही काम करना है अपना, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे इसको आके ना, जब मैंने ये बटन दबाया न्यू फाइल का, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि यार आपकी फ़ाइल का नाम क्या होना चाहिए। तो मैंने कह दिया कि भाई माई टेक्स्ट फाइल, ठीक है? इसको मैं कैमल केस में लिखता हूँ, ठीक है? कोई भी अपनी मर्ज़ी का आप नाम रख सकते हैं इस फाइल का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉट टी एक्स टी, ये डॉट टी एक्स टी जो है ना लास्ट में जो लगा हुआ होता है, इससे पता चलता है कि ये टेक्स्ट फाइल है, ठीक है? कहीं भी मैं इसको भेजूंगा, ये एक्सटेंशन कहलाता है फाइल का, कहीं भी मैं भेजूंगा तो वो टेक्स्ट एडिटर किस तरह से खुलेगा। अगर मैं इसमें लगा दूंगा ना MP3, तो इसका मतलब है कि ये ऑडियो फाइल है, ठीक है? अब कहीं भी भेजूंगा मैं, वो ऑडियो प्लेयर के साथ खुलने की कोशिश करेगा। तो हमने इसको क्या करना है, हमने बोलना है कि टेक्स्ट फाइल है, ताकि कहीं भी मैं भेजूँ ना तो टेक्स्ट एडिटर पे ये फाइल ओपन हो, क्योंकि इनफैक्ट ये टेक्स्ट फाइल है। अच्छा, यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा कि दिस इज़ सम टेक्स्ट इन माई टेक्स्ट फाइल, ठीक है? कुछ छोटा मोटा मैंने यहाँ पे कुछ भी बात लिख दी। अच्छा, आप नोट कीजिएगा कि जब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ना, तो यहाँ पे छोटा सा एक बबल बना हुआ आ जाता है इस जगह पे, दिख पा रहा है? यहाँ पे टॉप पे जो है ना, जहाँ पे लिखा हुआ है माई टेक्स्ट फाइल डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे ना एक छोटा सा बबल बनवा जाता है। इसका मतलब है कि ये फाइल सेव नहीं है, जैसे ही मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ ना, तो वो बबल गायब हो जाता है, बिल्कुल चुन्ना मुन्ना सा एक डॉट नज़र आ रहा है। दोबारा बता रहा हूँ मैं, देखो एक कैरेक्टर लिखा, वो बबल दोबारा आ गया डॉट। अच्छा, जैसे ही कंट्रोल एस दबाया वो बबल गायब हो गया, ठीक है? तो ये इंडिकेट कर रहा होता है कि ये फाइल इस वक्त सेव हुई हुई है या अनसेव कंडीशन में। अच्छा, तो ये मैंने कुछ फाइल यहाँ पे, इसको थोड़ा जूम इन भी कर देता हूँ मैं, ठीक है? जूम इन कर दिया मैंने, ये बबल आ गया, कंट्रोल एस किया, गायब हो गया। अच्छा, तो अब मैंने क्या कर लिया है इस पॉइंट पे, github.com से जो रिपॉजिटरी क्लोन की थी मैंने अपने कंप्यूटर में, उस रिपॉजिटरी के अंदर एक टेक्स्ट फाइल बना के सेव कर दिया मैंने। इसको अगर मैं जाके देखूंगा मेरे मेरे फाइल एक्सप्लोरर से जाके अगर मैं देखूंगा इसको, तो आप देखें कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर मैं इसको अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाके देखूं, तो ये मेरा वो ASF करके फोल्डर है, रिपॉजिटरी। अच्छा, और इसके अंदर जब मैं आता हूँ, तो आप देखें डॉट गिट ये पहले से मौजूद था, जो कि रिपॉजिटरी में। अच्छा, इस डॉट गिट के फोल्डर को ना छेड़ना नहीं है बाय द वे, इसको ओपन करेंगे आप तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा इसमें क्या है, लेकिन इस फोल्डर को ना तो आपने डिलीट करना है और ना इसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंजेस करनी है, क्योंकि इस फोल्डर को जो हमने CLI बेस्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया ना, वो इसको हैंडल करता है, हमने इसको हाथ से कुछ भी चेंज नहीं करना है इसमें। अच्छा, और सेकंड नंबर पर यह टेक्स्ट फाइल बनी हुई आ रही है, और इस पर क्लिक करते हैं तो ये मुझे कुछ इसका वो दिखा भी रहा है आउटपुट, है ना? क्लिक करने से ये साथ में मुझे इसका प्रीव्यू भी दिखा रहा है। तो ये एक सिंपल टेक्स्ट फाइल है जो मैं राइट क्लिक करके वैसे भी बना सकता था, लेकिन मैंने फ़िलहाल के लिए उसको टेक्स्ट एडिटर से बनाया है, ठीक है? VS कोड का जो टेक्स्ट एडिटर है। अच्छा, ये बना के मैंने इसको सेव करके
अब हमारा अगला काम क्या है कि इसको वापस github.com पे पुश करना है। इसको मैंने क्या करना है, वापस से github.com पे पुश करना है। अच्छा, github.com पे पुश करने की ना तीन कमांड्स हैं, वो तीन कमांड मैं इसी टेक्स्ट फाइल में लिख देता हूँ ताकि, क्योंकि ये भी आपसे शेयर हो जाएगा, आप कोड भूल ना जाए। अच्छा, क्या है भाई वो, गेट एड डॉट या स्टेरिक भी हो सकता है, स्टेरिक ज़्यादा समझ आ रहा है, गिट एड स्टेरिक। गिट एड स्टेरिक का मतलब ये है, इसकी तीन स्टेट्स होती हैं असल में, अब वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एक आर्टिकल भी है, बल्कि वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आर्टिकल है, इसकी ना इन्होंने ये डायग्राम बना के दिखाया हुआ है कि भाई एक वर्किंग डायरेक्टरी स्टेट में होता है, तो आप ऐड की कमांड चलाते हैं, देखो बीच में ऐड लिखा हुआ है, ऐड की कमांड चलाते हैं तो इंडेक्सिंग में या स्टेजिंग में चला जाता है, और उसके बाद कमिट की कमांड चलाते हैं तो ये हेड में चला जाता है, और फिर ये पुश होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक ये बना के दिखाया हुआ है, अगर आप चाहें तो इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, इसका लिंक ग्रुप में शेयर किया था मैंने, अगर नहीं मिलेगा तो दोबारा कर दूंगा मैं शेयर। अच्छा, तो एक कमांड ये हो गई, दूसरी कमांड क्या है, गेट कमिट माइनस एम और उसके बाद कोई भी मैसेज, एनी टेक्स्ट मैसेज। ठीक है, अच्छा इसमें हम क्या लिख देते हैं, इस मैसेज में आमतौर पर हम वो बात लिखते हैं कि अभी मैंने क्या किया, आई हैव क्रिएटेड अ फाइल। सही है, तो यहाँ पे मैंने मैसेज में ना वो बात लिख दी है कि आई हैव क्रिएटेड अ टेक्स्ट फाइल, तो पहले मुझे ये कमांड चलानी है, फिर मुझे ये कमांड चलानी है। अच्छा, ये कमांड जब आप चलाएंगे ना सेकंड वाली, तो भी आपके पास एक एरर आ जाएगा। सही है, अच्छा वो एरर क्या आएगा, वो सिर्फ पहली दफ़ा आएगा लेकिन ज़िंदगी में, उसके बाद दोबारा नहीं आएगा। वो कहेगा कि भाई वो आपका ना यूज़र नेम और ईमेल सेट नहीं है, वो आपसे ये कहेगा। ठीक है, तो ये कमिट की कमांड चलाते ही आपके पास वो एरर आ जाएगा, तो आपने क्या करना है, फिर वो लिखा हुआ भी आ रहा होता है उसके अंदर, क्या होता है वो एरर, गेट कॉन्फिग यूज़र नेम एरर, है ना, मैं अलग से सर्च कर रहा हूँ ताकि वो एग्जैक्ट मैं मैसेज यहाँ पे आपको लगा के दिखा दूँगा। अच्छा, वो मैसेज तो एरर का मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन आपने ये कमांड चलानी है, गेट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल यूज़र डॉट नेम इक्वल्स टू, मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे मलिक। अच्छा, और फिर आपने ईमेल ऐसे करके, सही है, और ईमेल मलिक एट द रेट सिसबॉर्ग डॉट कॉम। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। तो ये वाली जो कमांड है ना, ये दोनों जब आप कमिट की कमांड चलाएंगे ना तो एरर आएगा, तो आपने फिर ये दोनों कमांड चलानी है अपना यूज़र नेम सेट करने के लिए, पहली दफ़ा पूछेगा आपसे सिर्फ, दोबारा नहीं पूछेगा आपसे ये। ठीक है, अच्छा तो जब ये दोनों कमांड आप चला लेंगे तो फिर आपने कमिट ज़ाहिर है दोबारा चलाना पड़ेगा, क्योंकि कमिट चलाने पे ही तो एरर आया था, वो कमिट कम्प्लीट नहीं हुआ हुआ था। या मे बी आप एज अ सेफ साइड आप इस कमांड दोनों को सबसे पहले चला लें, क्योंकि ये कमांड क्या होती है कि जब भी आप फ्रेश इंस्टॉलेशन करते हैं ना गिट की, तो ये दो कमांड आपने चलानी होती है ना, तो एज अ सेफ साइड आप क्या कर सकते हैं, इसको सबसे पहले चला दें ताकि ये आपको एरर दे ही ना इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, उसके बाद आप ये गिट ऐड और गिट कमेंट और ये, फिर उसके बाद आप लास्ट कमांड क्या चलाएंगे, गिट पुश ओरिजिन, बस गिट पुश भी चला दें तो काफ़ी है। ठीक है, टू कीप इट सिंपल जस्ट गिट पुश अभी रख रहा हूँ मैं। तो ये तीन कमांड चलाने से क्या होगा, ये जो भी मैंने टेक्स्ट फाइल अभी बनाई है, ये वापस क्या हो जाएगा, github.com के ऊपर पहुँच जाएगा, पुश हो जाएगा। सही, अच्छा अब देख लेते हैं अब कैसे होगा ये कमांड। आ गया मैं यहाँ पे मैं आके क्या करूँगा, गेट एड, बल्कि मैं पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर स्क्रीन कर ली मैंने। ठीक है जी, अच्छा क्या करूँगा मैं, गेट एड और स्टैरिक। ठीक है, स्टैरिक भी लगा सकते हैं, डॉट भी लगा सकते हैं, लेकिन स्टैरिक लगा लीजिएगा, ज़्यादा समझ आता है स्टैरिक। स्टैरिक का मतलब क्या है कि तमाम फाइल्स, जितनी भी फाइल इस रिपोजिटरी में मौजूद है ना, सबको ऐड करो। सही है, मतलब आप इसको अगर मैं सादा लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो अभी मतलब कहीं ट्रिप पे जाना है, तो मतलब जितने भी बच्चे हैं सबको भरो गाड़ी में, तो ये मैंने स्टैरिक लगाया, मैंने कहा सारे बच्चों को गाड़ी में भर दो, एंटर, अब ये सारे गाड़ी में बैठ गए। अच्छा, अगली कमांड है गेट
कमिट माइनस एम और उसके बाद कोई भी स्ट्रिंग में कोई भी मैसेज, ये डबल कोटेशन को स्ट्रिंग कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, स्ट्रिंग के अंदर कोई भी मैसेज। मैंने लिखा कि भाई आई हैव क्रिएटेड टेक्स्ट, क्या हुआ ये, कोई मैंने गलत बटन दबाया, अच्छा चेंज हो गई थी स्क्रीन, आई हैव क्रिएटेड टेक्स्ट फाइल, ठीक है एंटर। अच्छा मैंने ये गिट कमिट का जो कमांड चलाई है ना, मेरे पास कोई एरर नहीं आया, मतलब वो वाला नहीं आया, क्योंकि मेरे पास गिट पहले से इंस्टॉल है और वो एक दफ़ा मैं यूज़र नेम सेट कर चुका हूँ, तो एक दफ़ा यूज़र नेम सेट कर देने के बाद वो दोबारा नहीं पूछता आपसे ना। तो आप भी अगर ये कमांड, ये दोनों कमांड पहले चला देंगे अगर आप, ठीक है आप अपना नाम लिखिएगा इसमें, ईमेल अपना लिखिएगा, बाकी कमांड सेम रहेगी, तो फिर ये भी आपको कोई एरर नहीं देगा, सीधा इसी तरह से कमिट हो जाएगा। कमिट में इसने रिस्पॉन्स में मैसेज किया दिया वन फाइल चेंज, कि एक फाइल चेंज हुई है और 13 लाइनों का उसमें जो है ना कोड आया है, 13 इंसर्शंस, 13 लाइनों का कुछ उसमें बात लिखी हुई है। तो आप यहाँ पे देखेंगे एग्जैक्टली ये 13 लाइनों का, पता नहीं 12-13 लाइनों का कुछ है, सही है। अच्छा और कह रहे हैं कि क्रिएटेड क्रिएट मॉड और उसका हैश कैलकुलेट किया इसने 100644, ये हैश है। अब हैश क्या चीज़ होती है ये इंशाल्लाह हम कोर्स में आगे कभी पढ़ेंगे। और फाइल का नाम आ गया कि ये था फाइल का नाम। अच्छा तो ये दो कमांड चल गई, एक कमांड क्या चल गया गिट एड एस्टेरिक और दूसरा गिट कमिट माइनस एम और मैसेज। अच्छा तो ये कमिट आप समझ लें कि बच्चे सारे गाड़ी में भरने के बाद ना, अब गाड़ी को स्टार्ट किया गया, गाड़ी को स्टार्ट कर दिया गया भाई, सही है कमिट हो गया ये। अच्छा अब तीसरी कमांड जो है ना गिट और पुश, इसका मतलब है कि बस गाड़ी को अब रवाना किया जाए, ठीक है ना, गियर डाला जाए गाड़ी में। अच्छा जब गिट पुश लिख के अभी मैंने एंटर नहीं किया, ठीक है गिट पुश लिख के अभी मैंने एंटर नहीं किया, अभी मैं वापस जा रहा हूँ उस रिपॉजिटरी में, कहाँ गई मेरी रिपॉजिटरी, ये रही, ठीक है ये रिपॉजिटरी में देखें, अभी कोई कोड मौजूद नहीं है, ये कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि कैसे भेजना है कोड को, ठीक है इसको मैं रिफ्रेश कर दूंगा, तो अभी भी यहाँ पे कोई कोड मौजूद नहीं है। अब जैसे ही मैं ये गिट पुश लिखा हुआ है जो इसको मैं एंटर करूँगा ना, तो ये पूरा का पूरा कोड मेरा गिटहब में वापस पहुँच जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसने देखें बहुत सारी बातें बताई हैं मुझे, कि ये कुछ प्रोसेस किया है इसने कि कॉम्प्रेसिंग ऑब्जेक्ट और वेटिंग फॉर ऑब्जेक्ट और टोटल 3 और डेल्टा, और ये बता रहा है कि किस रिपॉजिटरी में भेजा है उसका URL, ठीक है कह रहा है न्यू ब्रांच उधर बन गई है, मेन के नाम से बन गई है, ठीक है। और ये पुश सक्सेसफुली मतलब डन लिखा हुआ है कि पुश हो गया ये। अब यहाँ पे जाके मैं जब इसको रिफ्रेश करूँगा तो वो वाला कोड, ये टेक्स्ट फाइल यहाँ पे पहुँच गई है, ठीक है। और कमिट का मैसेज जो था वो भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ गया। अच्छा इस फाइल को अगर मैं खोलूँगा तो इस फाइल के अंदर वो सारी बातें भी लिखी हुई हैं जो मैंने लिखी थी, ठीक है ये वो सारी बातें आ गई हैं। तो इस पॉइंट पे हमने क्या कर लिया है कि एक गिट की रिपॉजिटरी को बना के और उसमें कुछ फाइलों को पुश कर दिया। अच्छा ये टेक्स्ट फाइल की बात नहीं है, आप इसमें इमेजेस वगैरह किसी भी किस्म की फाइल आप इसमें पुश कर सकते हैं, ठीक है। और स्पेशली इसको कोडिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है तो ये बहुत बड़ी फाइलों को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। इसकी कोई लिमिट है कि शायद मैक्सिमम लिमिट शायद एक फाइल की 2 GB तक होती है, शायद इस तरह कुछ चक्कर है, तो ये बड़ी फाइलों को सपोर्ट नहीं करता बहुत ज़्यादा, क्योंकि आमतौर पर कोडिंग की फाइल ना अगर 40,000 लाइन का भी कोड है तो वो चंद KB MB में उससे ज़्यादा नहीं होता वो, ठीक है। तो ये सब लोगों को समझ आया ये जो मैंने बात बताई है सारी, अभी इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा ये हो जाएंगे सारे स्टेप आप लोगों से, ठीक है। अच्छा तो अभी हमारे पास 30 मिनट्स मौजूद हैं, 20 मिनट्स मौजूद हैं तकरीबन। अच्छा तो अगर तो अभी कोई कर सकता है प्रैक्टिस, गिटहब में किस किस ने अकाउंट बनाया हुआ है पहले से, कोई है यहाँ पे github.com पे? नहीं बनाया। अच्छा तो शुरू करते हैं github.com का ना, सब लोग यहाँ पे जो बैठे हैं github.com का अकाउंट बना लें सब लोग, ठीक है। और इसी पूरे स्टेप को रिपीट करें जो मैंने करके बताया है।